हेलो एवरीवन, तो आज मेरे पास एक TCS CodeVita का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का नाम है मिनिमम गिफ्ट्स। एक कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू गिव सम गिफ्ट्स टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। मतलब एक कंपनी अपने सारे एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट्स देना चाहती है। फॉर डैट द कंपनी हैज़ गिवन सम रैंक टू ईच एम्प्लॉय। जिसके लिए कंपनी ने अपने सारे एम्प्लॉय को कुछ रैंक्स गिवन है, ठीक है। बेस्ड ऑन डैट रैंक द कंपनी हैज़ मेड सर्टेन रूल्स टू डिस्ट्रीब्यूट द गिफ्ट्स। उस रैंक के बेसिस पे कंपनी ने कुछ रूल्स बनाए हैं गिफ्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। द रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द गिफ्ट्स आर ईच एम्प्लॉय मस्ट रिसीव एटलीस्ट वन गिफ्ट। मतलब हर एक एम्प्लॉय को कम से कम एक गिफ्ट मिलना चाहिए। एम्प्लॉयज़ हैविंग हायर रैंक गेट ए ग्रेटर नंबर ऑफ गिफ्ट्स देन द नेबर। मतलब जिस एम्प्लॉय का रैंक ज़्यादा है उसको ज़्यादा गिफ्ट्स मिलेगा अपने नेबर के कंपेरिजन में। और हमको एट लास्ट ये बताना है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गिफ्ट्स रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। मतलब कंपनी को मिनिमम नंबर ऑफ गिफ्ट्स कितने चाहिए जिससे वो इस कंडीशन को फुलफिल कर सके, ठीक है। इसमें कुछ कांस्टेंट है। फर्स्ट, जो टेस्ट केसेस होंगे वो 10 से कम होने चाहिए, मतलब 1 से 10 के बीच में होने चाहिए। और एन, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो 10,000 1 से 10,000 के रेंज में होना चाहिए। और रैंक, उनके जो रैंक होंगे 1 से लेकर 10 की पावर 9 के बीच में होने चाहिए। कुछ कंस्टेंट है हमारे पास। इनपुट फॉर्मेट हमारा ऐसा है कि फर्स्ट लाइन कंटेन्स इंटीजर टी डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। मतलब फर्स्ट लाइन टी एक इंटीजर कंटेन करेगा टी, जो बताएगा कि हमारे में कितने टेस्ट केसेस होंगे। फॉर ईच टेस्ट केस, मतलब हर टेस्ट केस के लिए फर्स्ट लाइन कंटेन्स इंटीजर एन। मतलब फर्स्ट लाइन कंटेन करेगा इंटीजर एन, जो बताएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को। सेकेंड लाइन कंटेन्स एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स डिनोटिंग द रैंक ऑफ ईच एम्प्लॉय। मतलब जो सेकेंड लाइन होगी वो एन नंबर ऑफ इंटीजर्स को कंटेन करेगी, जो बताएगा कि हमारे जो एन एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रैंक क्या है, ठीक है। आउटपुट फॉर्मेट फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट द नंबर ऑफ मिनिमम गिफ्ट्स रिक्वायर्ड ऑन ए न्यू लाइन। मतलब हर टेस्ट केस के लिए हम जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और उनके रैंक इनपुट करेंगे, हमको आउटपुट में ये बताना है कि उनको गिफ्ट देने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ गिफ्ट्स कितने लगेंगे, ठीक है। तो हमारा इनपुट कुछ ऐसा है। एग्जाम्पल 1 टेस्ट केसेस, तो ये जो 2 है ये है हमारा टेस्ट केसेस। मतलब 2 टेस्ट केस होंगे। फर्स्ट टेस्ट केस के लिए हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 5। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। और ये हमारे हो गए 5 एम्प्लॉयज़ के रैंक क्या है। फर्स्ट एम्प्लॉय की रैंक 1 है, सेकेंड की 2, थर्ड की 1, 4th की 5 और 5th की 2। सिमिलरली हमारा सेकेंड टेस्ट केस है 2, मतलब 2 एम्प्लॉयज़ है और उनकी रैंक है 1 और 2। और हमारा आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा। फर्स्ट लाइन होगा 7 फर्स्ट टेस्ट केस के लिए, सेकेंड लाइन होगा 3 सेकेंड टेस्ट केस के लिए। एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि इनका कि फॉर टेस्ट केस 1 एडहेरिंग टू रूल्स मेंशन, मतलब एज पर द रूल्स गिवेन। फर्स्ट एम्प्लॉय होगा जिसका रैंक 1 है, उसको एक गिफ्ट मिलेगा। हम स्टार्टिंग 1 से करेंगे। एम्प्लॉय 2 हुज रैंक इज़ 2 गेट्स 2 गिफ्ट। सेकेंड एम्प्लॉय उसका रैंक 2 है, मतलब अपने नेबर से ज़्यादा है, इसको ज़्यादा गिफ्ट मिलना चाहिए, तो एक इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब उसको 2 गिफ्ट्स देंगे। एम्प्लॉय 3 हुज रैंक इज़ 1 थर्ड एम्प्लॉय उसका रैंक 1 है, तो उसका रैंक अपने लेफ्ट वाले जो एम्प्लॉय उससे कम है, तो उसको एक गिफ्ट देंगे, ठीक है। फोर्थ हुज रैंक इज़ 5, मतलब फोर्थ एम्प्लॉय है उसका रैंक 5 है, मतलब अपने लेफ्ट वाले जो एम्प्लॉय है उससे ज़्यादा है, तो इसको एक गिफ्ट ज़्यादा देंगे। जो पिछले वाले एम्प्लॉय को हम दिए थे, तो पिछले वाले को 1 गिफ्ट दिए थे, तो इस वाले एम्प्लॉय को 2 देंगे। सिमिलरली जो हमारा फिफ्थ एम्प्लॉय होगा उसका रैंक 2 है, मतलब अपने पीछे वाले से कम है, तो उसको हम एक कम देंगे, 1 गिफ्ट देंगे। तो सिमिलरली हमारे पास टोटल गिफ्ट हो जाएंगे 1 + 2 + 1 + 2 + 1 डेट इज़ 7। अब ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको देखते हैं इसको कोड कैसे करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोड। यहाँ पे फर्स्ट लाइन बता रहा है कि टी इंट इनपुट, मतलब हम एक इनपुट ले रहे हैं टेस्ट केसेस के लिए, ठीक है। और यहाँ एक वाइल लूप चला रहे हैं तब तक जब तक ये टेस्ट केसेस हमारा 0 नहीं हो सकता, ठीक है। वाइल टी इज़ ग्रेटर देन 0। टेस्ट केसेस में फर्स्ट हमारा इनपुट है एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड दूसरा है लाइन हमारा इनपुट है EMP। एक वेरिएबल है, ये कंटेन करेगा जैसे हमारा एम्प्लॉयज़ के रैंक, जैसे 1, 2, 1, 5, 2। ये हमारे हो गए एम्प्लॉयज़ के रैंक जो स्टोर हो जाएंगे EMP वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद मैंने एक गिफ्ट नाम का एक लिस्ट बनाया है जिसमें मैं फर्स्ट एलिमेंट को एक गिफ्ट अलाउ कर चुका हूँ। मतलब अगर हमारा एम्प्लॉय एक ही होगा तो उसको मिनिमम तो एक गिफ्ट मिलना चाहिए ना। हमारा कंडीशन बोल रहा है कि मिनिमम एटलीस्ट 1 गिफ्ट होना चाहिए। इसलिए मैंने एक गिफ्ट नाम का लिस्ट बनाया और उसमें 1 असाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक फॉर लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज 1 से n, मतलब 1 से चलेगा n तक। ठीक है, और हम चेक कर रहे हैं कि हमारा अगल बगल का एम्प्लॉय का रैंक क्या है। ठीक, फर्स्ट इफ़ emp1 i, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये वाला इस एम्प्लॉय की रैंक अपने पिछले वाले एम्प्लॉय से ज़्यादा है। अगर मतलब फ़र्स्ट एम्प्लॉय की रैंक अपने 0 वाले इंडेक्स एम्प्लॉय से ज़्यादा है तो गिफ्ट डॉट अपेंड गिफ्ट i -1 + 1, मतलब उससे एक ऐड एक्स्ट्रा गिफ्ट उसको मिलेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये एम्प्लॉय 1 है और ये एम्प्लॉय 2 है। 1 की रैंक 1 है, 2 की रैंक 2 है। 2 की रैंक ज़्यादा है अपने पिछले वाले एम्प्लॉय से तो इसको एक गिफ्ट ज़्यादा मिलेगा। तो फर्स्ट एम्प्लॉय को अगर गिफ्ट 1 मिल रहा होगा तो सेकेंड एम्प्लॉय को गिफ्ट मिलेगा 2। वही जैसे फर्स्ट एम्प्लॉय को यहाँ गिफ्ट मिल रहा है 1 तो सेकेंड एम्प्लॉय को गिफ्ट मिलेगा 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट लूप चलेगा। यहाँ पे कंडीशन चेक होगा इफ़ आई emp i ग्रेटर देन emp i -1। नेक्स्ट हमारा क्या है 1, नेक्स्ट एम्प्लॉय की रैंक है 1 और उसकी प्रीवियस एम्प्लॉय की रैंक है हमारे पास 2, जो कि जिससे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए हमारा एल्स पार्ट चलेगा और गिफ्ट डॉट अपेंड 1, तो मतलब थर्ड एम्प्लॉय की हमें गिफ्ट मिलेंगे 1, जो यहाँ पे मैं डिस्प्ले कराया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लूप चलेगा। फिर हमारा फोर्थ एलिमेंट कंपेयर होगा 5, इसके पहला एलिमेंट कौन सा है 1, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और गिफ्ट i -1 + 1 ये अपेंड हो जाएगा, मतलब अपने प्रीवियस एम्प्लॉय को जो गिफ्ट मिला है उससे एक ज़्यादा गिफ्ट हमारे करंट एम्प्लॉय को मिलेगा, जो है 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे प्रीवियस एम्प्लॉय को 1 मिला और नेक्स्ट एम्प्लॉय का रैंक ज़्यादा है प्रीवियस एम्प्लॉय से, इसलिए इसको एक गिफ्ट ज़्यादा मिला, जो है 2। ठीक, फिर नेक्स्ट लूप चलेगा। फिर कंडीशन हम चेक करेंगे, यहाँ देखेंगे हमारा जो लास्ट एम्प्लॉय है उसका रैंक हमारे प्रीवियस एम्प्लॉय से कम है, जिससे इसको गिफ्ट मिलेगा 1 और हमारा ये गिफ्ट में ये हमारा वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो होगी 1 2 1 2 1, और ये सेटिस्फाई कर रही है कि आप देख सकते हैं जिसको बगल वाला है उससे ज़्यादा है। ठीक है, और फिर हम एक और फॉर लूप लगाए हैं। इसमें हम ये चेक कर रहे हैं, राइट से चेक कर ले रहे हैं कि राइट से भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। ये यहाँ तो हमने लेफ्ट से चेक किया, यहाँ राइट से भी चेक कर ले रहे हैं। जैसे हमारे पास एम्प्लॉयज़ की रैंक गिवन है राइट से 2 5 1 2 1, ये रेंज हमने फॉर लूप लगाया है, ये चलेगा 5th, मतलब सेकेंड लास्ट एलिमेंट से चेक करना शुरू करेगा। हमने यहाँ पे चेक किया emp i, तो इस वाले एम्प्लॉय की रैंक को कंपेयर करेगा उसके एक आगे वाली से, तो 5 > 2 ट्रू है, तो गिफ्ट ऑफ i, मतलब इस एम्प्लॉय की गिफ्ट कितने मिलेंगे मैक्स 1 + गिफ्ट ऑफ i + 1, मतलब जो उसके आगे वाले एम्प्लॉय है उसको जितना गिफ्ट मिल रहा होगा उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसका रैंक ज़्यादा है। तो 2 को गिफ्ट कितना मिल रहा था, यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 को गिफ्ट 1 मिल रहा था, तो इसको कितना मिलेगा 1 + 1 2, और मैंने यहाँ पे मैक्स फंक्शन लगाया, इसलिए लगाया कि मान लीजिए हमारे लास्ट एलिमेंट को गिफ्ट अगर 0 मिल रहा होता या 1 मिल रहा होता और इसे भी 1 मिल रहा होता और इसका रैंक यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा है, तो एक एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि ये ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर मैक्स फंक्शन लगाया 1 + गिफ्ट i + 1, मतलब अपने आगे वाले एलिमेंट को जितना गिफ्ट मिल रहा होगा उससे एक ज़्यादा। ठीक है, और ये लूप कंटिन्यू चलेगा और हमारे गिफ्ट नाम के लिस्ट में जो मैक्सिमम गिफ्ट्स अलाउटेड होंगे उन एम्प्लॉय को वो स्टोर हो जाएंगे। ठीक, और एट लास्ट हमें ये प्रिंट करना है कि टोटल गिफ्ट कितने लगेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने किया प्रिंट सम गिफ्ट, जिससे टोटल गिफ्ट कितने लगेंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। और t - = 1 मैंने टेस्ट केस एक कम कर दिया क्योंकि हमने एक बार इस प्रोग्राम को पूरा रन कर लिया। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर ये रन हो गया। यहाँ पे हम टेस्ट केसेस प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट 2 टेस्ट केस होंगे। फर्स्ट में हमारे पास 5 एलिमेंट होंगे, 5 एम्प्लॉय होंगे, उनके रैंक होंगे 1 2 1 5 एंड 2, इससे हमको आउटपुट मिल जाएगा 7। ठीक है, फिर हम एक और टेस्ट केस चेक करते हैं जिसमें हमारे पास 2 एम्प्लॉय होंगे, उनके रैंक होंगे 1 एंड 2, हमें आउटपुट मिल जाएगा 3। जो हमारे पास अगर हम देख सकते हैं हमारे पास जो गिवन टेस्ट केसेस थे या एग्जाम्पल थे वो एग्जैक्टली सेम थे और हमें सेम आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ये था 2 5 2 टेस्ट केसेस, 5 एम्प्लॉय, उनके रैंक 1 2 1 5 2, आउटपुट आया 7। 2 एम्प्लॉय, उनके रैंक 1 एंड 2 और आउटपुट आया 7। हम ये देख सकते हैं कि हमने अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो At last, thanks for watching these videos, and for more information about TCS CodeVita questions, please visit www.nargisgupta.com and also subscribe to this channel for more information videos. Thank you.